नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। साइबर अपराधियों द्वारा जमशेदपुर की एक महिला से ओटीपी नंबर पूछकर लाखों रुपए की निकासी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला अनु शर्मा गोविंदपुर के जोजोबेड़ा कैंप शिव मंदिर के समीप रहती है। अनु के अनुसार उसके मोबाइल नंबर पर क्रेडिट कार्ड कार्यालय से बात करने की जानकारी देते हुए क्रेडिट कार्ड को अपडेट करने के लिए मोबाइल पर आने वाले ओटीपी नंबर देने को कहा। उसने जैसे ही ओटीपी नंबर दी, पलक झपकते ही 1,48,000 उसके खाते से गायब हो गए। इसकी जानकारी थोड़ी देर बाद पीड़िता को होने पर इसकी शिकायत बिष्टुपुर के साइबर थाने में की, जिसके आलोक में पुलिस टेक्निकल सेल के माध्यम से जांच करते हुए आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है। एक्चुअली 29 सितंबर को मेरा क्रेडिट कार्ड अपग्रेड हुआ था। उसके लिए मुझे प्राइवेट नंबर से ही एक्सिस बैंक से कॉल आया था। तो कल दिनांक 18/10 को मेरे को इस बीच पहले रेगुलर क्रेडिट कार्ड के लिए रिगार्डिंग बार बार कॉल आ रहा था एड्रेस अपडेट करने के लिए, एंड बहुत सारे वो भी प्राइवेट नंबर से आ रहे थे। तो इसलिए कल मेरे पास फिर 2 नंबर से कॉल आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे क्रेडिट कार्ड में 2 सर्विस एक्टिवेट हुई है, उसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपके पास एक पिन आएगा, उसको शेयर कीजिए तो आपकी ये सर्विस डीएक्टिवेट हो जाएगी, नहीं तो आपका इतना चार्जेस कटेगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने तो कोई सर्विस एक्टिवेट नहीं की है, उसको डीएक्टिवेट कीजिए। तो मैंने जैसे ही ओटीपी शेयर किया है उसको पिन, तो मेरे क्रेडिट कार्ड से 2 ट्रांजेक्शन हुए हैं, 199,274 रुपीज़ का एंड 49,490 रुपीज़ का। तो तुरंत मैंने फिर बैंक में जाके कंप्लेन की है, कार्ड ब्लॉक कराया, रिफायर भी करवाई। एफआईआर कहाँ करवाएं? एफआईआर मैंने विष्णुपुर साइबर सेल में करवाया। क्या नाम? अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।